हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सालिमा पोर्शन शेयर की। इस शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 59 पैसे का। और दोस्तों, आज हमें इसके अंदर 1 पैसे का अब देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों, मैं आपको यही बोलूँगा कि आगे जो 1-2 महीने आएंगे उस महीने में भी ये शेयर इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यानी दोस्तों, अभी ये शेयर आपको 1-2 महीने पहले, आगे भी ये शेयर 59 पैसे, 60 पैसे या 65 पैसे तक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बट दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे ही बोलूँगा कि ये शेयर यहाँ से और डाउन जा सकता है। जी दोस्तों, ये शेयर लगभग 55 पैसे या 50 पैसे, या जो इसका जो मेन सपोर्ट है, जो भी इसका मेजर सपोर्ट है 49 पैसे का, वहाँ तक ये जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, इन्वेस्टमेंट की। अगर आपको इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको किस प्राइस पर इसको बाय करना चाहिए? जी दोस्तों, वैसे 49 पैसे या 59 पैसे इस रेंज में आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। या दोस्तों, 49 पैसे या 59 पैसे इस रेंज में आपको अगर ये प्राइस मिलता है, ये शेयर मिलता है, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। बट दोस्तों, आपको बाय करने के बाद इसमें होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि इस कंपनी का जो OTT प्लेटफॉर्म है वो इनकी साइट पर लॉन्च हो चुका है। बट दोस्तों, अभी जो लॉन्चिंग टाइम है, जो लॉन्चिंग डेट है, वो अभी तक कंपनी की ओर से अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और दोस्तों, जब कंपनी OTT प्लेटफॉर्म की डेट लॉन्च करेगी या अनाउंसमेंट करेगी, तब इसके अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप इस शेयर को बाय करते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कम से कम 6 महीने का। जब ये शेयर 49 पैसे पे था, तब मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप इस शेयर को बाय करें और आपका टारगेट रहेगा 1 रुपये का। बट दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं आपको ये शेयर अभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस शेयर को बाय करें। जी दोस्तों, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, आप अगर आप इस शेयर को बाय करते हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। यानी दोस्तों, आपको इसमें होल्ड करना पड़ेगा 6 महीने तक। और दोस्तों, हम ज़्यादा लोग इसमें पेशेंस नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे ये बोलूँगा कि अभी आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, अभी आप 1-2 महीने और होल्ड करें। या दोस्तों, 1-2 महीने और वेट करें और उसके बाद इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वैसे देखा जाए तो अभी ये शेयर अपनी बुक वैल्यू से, या दोस्तों, जो इसका बुक वैल्यू है वह है 1 रुपये के आसपास का। अभी आपको शेयर अपनी बुक वैल्यू से 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। बट दोस्तों, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट हमें ये दिखता है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इसमें कम करी है। जहाँ दोस्तों, जहाँ प्रमोटर की होल्डिंग इसमें पहले 27% के आसपास की थी, वहीं आज इसमें 6% के आसपास रह चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो भी पेनी शेयर होते हैं वो अपनी न्यूज़ के दम पर चलते हैं। जहाँ दोस्तों, अगर उनके अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वो बहुत ही अच्छा अपर सेक्टर में जाते हैं, और अगर उनमें कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो डाउनफॉल भी इतनी तेज़ी से होते हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं आपसे ये बोलूँगा कि अभी आप थोड़ा वेट करें, जब इसमें कोई न्यूज़ आने वाली होगी तब मैं आपको बता दूँगा कि कब आपको बाय करना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।